हम लोग कुछ स्टेट लाइन के बारे में हम जानते हैं, रैखिक समीकरण। देखिए, स्टेट लाइन के बारे में जानने के पहले हम लोग जानेंगे स्टेट लाइन मतलब कि सीधी रेखा। तो सीधी रेखा में जो आपको मिलेगा, तो उसमें आपको एक सीधी रेखा में स्टेट लाइन मिलेगा, उसमें एक स्लोप मिलेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म मिलेगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म मिलेगा तो वह एक्स एक्सिस से काटेगा और वाई एक्सिस से काटेगा, क्योंकि हम टू वेरिएबल के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक्स एक्सिस काटेगा और वाई एक्सिस का, तो वो इंटरसेप्ट फॉर्म मिलेगा, उसमें स्लोप मिल जाएगा। जैसे कि ध्यान देंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से इसे काटा तो यह इंटरसेप्ट हो गया आपका, या एक्स का खंड पार्ट आया होगा रेखाखंड आपका वाई का, तो इंटरसेप्ट हुआ। अगर मान ले कि इसका बी नाम देंगे ए हो गया, तो इंटरसेप्ट आपको मिल गया, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया आपका। तो यहाँ से देखिए, इसका इक्वेशन का ढाल जो होगा आपका, यह आपका स्लोप हो जाएगा। इसको हम लोग ढाल बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। इसको एम से डिनोट करते, चाहे टेन थीटा से डिनोट कर लेंगे, तो यह ढाल हो जाएगा। कोई पच अगर मान लें कि लाइन का अगर दो पॉइंट दिया, वहाँ से निकाल लेगा दो लाइन अगर दिया, पॉइंट दिया हुआ है इसका, कि इसका भी अपना स्लोप अगर निकाल लेगा एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन, तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर गिरा दीजिए है कि नहीं, और बना लीजिए। यहाँ से आपको स्लोप निकल जाएगा, यहाँ से देखिए स्लोप यहाँ पर निकाले हुए वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आपका स्लोप यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से निकालिएगा तो परपेंडिकुलर गिरा लीजिए, आप परपेंडिकुलर गिरा कर आपका स्लोप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से अगर गिरा देंगे यहाँ से, तो वाई टू में से वाई एक्स टू में से एक्स वन जाएगा, और वाई टू में से वाई वन, तो यहाँ से टेन लीजिएगा तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि आपको लंबाई आधार आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप अभी जस्ट बोले हैं एक्स टू माइनस थ्री, इसको स्लोप बोलते हैं, यहाँ सबको आ गया आसानी से। तो देखिए, यह है आपका कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको हम लोग रेट चेंज भी बोल सकते हैं, रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, वाई जो चेंज कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। बट यहाँ पर स्लोप अगर चेंज हो कर रहा है, अगर वेरिएबल होगा मतलब कि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से कि यह स्लोप निकाल लिया, अगर मान लें कि आपके पास एक पॉइंट दिया है, आपके पास स्लोप दिया है, तो इक्वेशन आपका रैखिक समीकरण का स्ट्रेट लाइन के यहाँ से मिल जाएगा, जो स्लोप आपका गिवेन रहेगा, और उसके बाद एक पॉइंट दिया है तो वहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा। यहाँ से दो पॉइंट अगर दिया है तो वहाँ स्लोप निकल जाएगा, और यहाँ से स्लोप निकाल कर इक्वेशन में आप ढाल दीजिए, तो दो इक्वेशन का आपका दो पॉइंट दिया हुआ, उसके भी इक्वेशन निकाला जाता है। उसके बाद आपको मान लीजिए आपका इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसका मान लीजिए पाँच दिए, मान इसका मान तीन दे दिया, तो हम एक्स बाई आपको पाँच एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई पाँच इक्वल टू वन, यह आप स्लोप के डायरेक्ट आंसर निकल गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका मान लीजिए कि यह पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, मान लीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया, उसमें मतलब कि आपका दिया एक पॉइंट दे दिया, कह रहा कि मतलब कि एंगल दे दिया है, आप कह रहा है कि शिफ्ट कर रहा है, तो शिफ्ट कर रहा है तो कितना शिफ्ट कर रहा है, अगर दिया तो कितनी शिफ्टिंग लाइन भी निकाल लेंगे कि नया जो लाइन बनेगा उसका इसकी इक्वेशन क्या होगा। यहाँ से हम लोग अगर मैंने पैरामेट्रिक दिया है, पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म में दिया है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इन नॉर्मल फॉर्म में लंबवत रैखिक समीकरण अगर दिया है, तो वहाँ से निकाल लेंगे ये लंब दूरी है ओरिजिन से, जिसे मान लें कि यह ओरिजिन हो जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ से इसका यह लाइन हो गया, इसका इक्वेशन निकालते हैं, यहाँ से लंब दूरी निकाल लेंगे, ये आपका पी हो जाएगा, यहाँ से आपका पॉइंट आपको निकल जाएगा आई से, इसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये आपका लंब के आधार फॉर्म में है, ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में, यह जब दो लाइन जो होता है एक दूसरे के समांतर होता है, तो मान लें कि एक के अगर स्लोप दे दिया है और दूसरे के पॉइंट दिया है, तो वहाँ से हम अकॉर्डिंग उसको अनुसार हम अपना इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन को वो निकालने के लिए ये एम इक्व एम वन इक्वल टू एम टू याद लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो दूसरे का स्लोप जो होगा, ढाल जो होगा, वह क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग और संगत कोण के अनुसार से वो दोनों बराबर हो जाता है, तो ये आपको दोनों बराबर हो जाएगा। जब एक लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, लंबवत हो जाता है, तो वह लाइन एक दूसरे के लंबवत है, तो वहाँ से एक दूसरे का हम लोग वहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। जब मान लें किसी का स्लोप दिया है, किसी पर पॉइंट दिया हुआ है, तब किसी के इक्वेशन आसानी तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये आपका इतना तरीका जो है, आपका एक नॉर्मल जो है, आप बच्चा जो इलेवेंथ क्लास के ये है, इसमें जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए इतने आपका इक्वेशन मिलेगा स्ट्रेट लाइन में पढ़ने के लिए। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं।
जो बच्चा को मान ले कि आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें भी इसमें आएगा। और कुछ एक्सटर्नल भी पढ़ने के मिलेगा जो हम पढ़ाएंगे आपको, शिफ्टिंग यही एक्सटर्नल मिलता है, ज़्यादा तो कुछ मिलता नहीं है, वो फॉर्मूला वो आएगा है कि नहीं, तो ये आपको इसमें आ जाएगा। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आएगा तो उसका स्लोप हम लोग इसे निकालेंगे, तो यह हो जाएगा। एक्यूट एंगल जब बनेगा, ऑब्टूज एंगल बनेगा, तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, मान लो दो लाइन के बीच के एंगल अभी निकालेंगे, तो इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। तो स्ट्रेट लाइन हम आपको एक वीडियो बनाए होंगे, और सेकेंड वीडियो ये है, इसमें क्वेश्चन हम बहुत बारीकी तरीके से करेंगे, एक छोटे छोटे शब्द बताएंगे, और आप इसमें बने रहिएगा तो पक्का है कि आप स्ट्रेट लाइन में मतलब कि हर एक मैथ आपको समझ में आएगा, आप मैथ के बहुत प्रकांड बन जाइएगा है कि नहीं। इसलिए आप लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए। देखिए संघर्ष के ही, संघर्ष करने वाला पर्सन हमेशा विजयी होता है। अगर मान लें संघर्ष आप एक आज की या कल नहीं कीजिएगा, आप अच्छी नहीं बन पाइएगा, इसलिए कंटिन्यू संघर्ष कीजिए। कंटिन्यू संघर्ष करने वाला व्यक्ति हमेशा एक बड़ा अचीवर बनता है। तो आई होप आप संघर्ष करिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप बने रहिए, आप संघर्ष करते रहिए, आप पूछते रहिए क्वेश्चन। जय हिंद।